वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज पॉलिटी की क्लास 20 है, जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान के अनुसूचियों के बारे में, यानी कि शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथियों, ये बाइलिंगुअल क्लास होगी, ठीक है? आपको पूरा मैटर बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा। अगर आपको मैटर चाहिए, मल्टीपल रिविजन पर फोकस करना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया भी है कई बार कि इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, हम इंग्लिश मीडियम में फॉलो कर रहे हैं, हमारा संविधान एक परिचय सुभाष सी कश्यप, हम हिंदी मीडियम में फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हो सके तो आप इस इन जो रेपुटेटेड बुक्स हैं, आप इसको ले सकते हैं। नहीं भी लेंगे तो यहां से आप इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, आज हम लोग को डिस्कस करना है शेड्यूल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। देखिए साथियों, शेड्यूल्स है क्या, ये शेड्यूल्स हैं क्या, अनुसूचियां हैं क्या? शुरुआत में जब हमारा संविधान बना साथियों, तो उसमें आप देखेंगे 395 अनुच्छेद, आर्टिकल 395 थे, 22 पार्ट थे। और अगर हम शेड्यूल्ड की बात करें, तो साथियों कितनी थी, 8 शेड्यूल्ड थे। तो शुरुआत में जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तो उस समय शेड्यूल की संख्या कितनी थी, 8 थी। आज के समय में इनकी संख्या 12 हो गई है साथियों। 4 अनुसूचियों को विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया, 4 को बढ़ाया गया, और इस तरह 8 + 4 कितनी हो गई, 12। साथियों, अनुसूचियां होती क्या है? अनुसूचियां आर्टिकल्स को समझने के लिए दिए गए वक्तव्य हैं। यानी कि एक तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम लास्ट में चले जाएंगे, तो ये किसी भी आर्टिकल्स को समझाने के लिए दिए गए एक तरीके से सारणी है या इंडेक्सेस है। जैसे मान लीजिए आर्टिकल वन अगर देखा जाए, तो आर्टिकल वन क्या कहता है साथियों? आर्टिकल वन कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, है भाई, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट। केवल इतना ही काम, इतना ही बोल देने से आर्टिकल वन तो कंप्लीट नहीं हो जाता। ऐसे में साथियों क्या करना होगा, इस आर्टिकल वन को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए हमें यूनियन टेरिटरी की भी सीमाओं को बताना पड़ेगा, यानी कि हमको केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं पर भी बात करनी पड़ेगी, और हमें राज्यों की सीमाओं पर भी बात करेंगे, उनका नामकरण कैसे हो, नेमिफिकेशन कैसे हो, ठीक है? तो इन सबको निर्धारित करने के लिए केवल आर्टिकल वन में ये कह देना इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, यही तो पर्याप्त नहीं होगा, इसको विस्तार से हमें समझना भी होगा। हर भारत में इस समय अगर देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनकी सीमाओं को बताना, इनके नाम को निर्धारित करना, ये आखिर कैसे किया जाएगा, समझ रहे हैं? एक एक 28 स्टेट पर बात करना और यूनियन टेरिटरी पर बात करने के लिए, इसके लिए पूरी शेड्यूल्ड है, फर्स्ट शेड्यूल है साथियों। पहला और चौथा शेड्यूल्ड अनुच्छेद एक से ही रिलेटेड, मतलब आर्टिकल वन जो है एंड आर्टिकल 4 को समझाने के लिए अनुसूची एक बनाई गई है। अनुसूची एक किसके लिए है भाई, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल वन एंड आर्टिकल 4 को समझने के लिए। इसमें भी राज्य, उनकी सीमाओं, उनके नामकरण की बात की गई है, इसमें भी वही सारी बातें की गई है, राज्य से रिलेटेड ही बात की गई। तो अनुसूचियां क्या है, अनुच्छेद को सही से आसान भाषा में समझाने के लिए दी गई सारणियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल कितने शेड्यूल्ड हैं, 12 है। शुरुआत में जब संविधान बन रहा था तो कितने थे, 8 थे। कितने आर्टिकल थे, 395 और 22 पार्ट। ये हम सब पर, इन सब पर बात करेंगे, अभी तो हम शेड्यूल्ड देख रहे हैं कौन कौन से हैं। तो ऐसे में साथियों अगर हम देखें, भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां 8 थी, देयर आर 8 ओरिजिनल शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 4 जोड़ी गई है, जैसे साथियों 9वीं जोड़ी गई है, 9वीं अनुसूची, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं जोड़ी गई और कब जोड़ी गई। तो देखिए 9वीं अनुसूची जो है साथियों, ये 9 है, न्यू शेड्यूल नहीं है, 9th शेड्यूल एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 अंडर आर्टिकल 31 बी।
साथियों, नौवीं अनुसूची की अगर बात करते हैं तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा आर्टिकल 31B के तहत जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। वहीं हम दसवीं अनुसूची की बात करते हैं तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, 10th शेड्यूल एडेड बाय 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। वहीं हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं साथियों तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया, ये बात क्लियर। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। 12th शेड्यूल कैसे ऐड किया गया है, ये बात समझ रहे हैं, कैसे ऐड किया गया, ये तो आपने समझ लिया कैसे ऐड किया गया। 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, ठीक है, और 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची को कैसे ऐड किया गया। अब एक एक अनुसूची पर हम बात करेंगे, एक एक शेड्यूल पर बात करेंगे साथियों। ये जो फर्स्ट शेड्यूल है अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है, देख लीजिए, वही चीज है, रिलेटेड द आर्टिकल 1 और 4, जिसमें भारतीय राज्य संघ शासित क्षेत्रों के नाम, सीमाओं व न्यायिक क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। क्या है भाई, 1-4 नेम्स है, विच द नेम्स बाउंड्रीज, 4 इन विच द नेम्स बाउंड्रीज एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी डिटरमिनेड, समझ रहे हैं। तो जो 1 और 4 है अनुच्छेद, उसी से रिलेटेड है फर्स्ट अनुसूची, जिसमें क्या बात की गई है, इंडियन स्टेट्स की बात की गई, यूनियन टेरिटरी की बात की गई, उनके नेम, उनके लिमिटेशन यानी कि उनके एक तरीके से ज्यूरिसडिक्शन की बात करें, न्यायिक क्षेत्र यानी कि जैसे कलकत्ता न्यायालय कौन कौन से क्षेत्रों को देखता है, ठीक है, अंडमान निकोबार कौन से न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कौन सा हाईकोर्ट उसको पूरी तरीके से देखता है, समझ रहे हैं, ज्यूरिसडिक्शन की बात वही आती है। इसका हम विस्तार में साथियों बात करेंगे जब हम सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट पढ़ाएंगे। तो दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है भाई, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की प्रलब्धियां, वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार की बात की गई है, यानी कि द सेकंड शेड्यूल टॉक अबाउट द इमोल्यूमेंट सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टेस, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टेड है, मतलब पोस्ट है, उनके बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में भाई एक बार जान जाइए कौन है, जैसे प्रेसिडेंट है साथियों, राष्ट्रपति, गवर्नर है, राज्यपाल है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष लोकसभा के, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा यानी कि एक तरीके से राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, समझ रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य की विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह, ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके बारे में बात की गई है, इनकी प्रिविलेजेस की बात की गई है। प्रिविलेजेस हालांकि केवल विशेष करके यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल ही मेन है, प्रिविलेजेस की बात करें जब, परिलब्धियों की बात करें, विशेषाधिकारों की बात करते हैं जब, ठीक है, और तो उनके वेतन और जितने हैं उन सबके वेतन भत्तों की बात की गई है। यहां ये देखना बहुत जरूरी है किसको, किसके वेतन भत्तों की बात की गई है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता प्राप्त होता है, द वाइस प्रेसिडेंट रिसीव सैलरीज एंड अलाउंसेस एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को अगर पूछा जाए, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या वेतन भत्ता मिलता है, तो साथियों कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता। किसके लिए मिलता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट अगर देखा जाए, वाइस यहां पर आप देखिए, राज्यसभा का सभापति भी तो वही होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, राज्यसभा का सभापति यानी कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होता है। तो एक तरीके से चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के लिए उसे वेतन भत्ता अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना, मतलब उपराष्ट्रपति पद के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए कोई वेतन भत्ता उसे नहीं मिलता। वैसे ही साथियों थर्ड हम शेड्यूल्ड की बात करें, विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ओथ की बात की गई है, प्रारूप निर्धारित किए गए हैं, समझ रहे हैं। तो द थर्ड शेड्यूल सेट आउट द फॉर्मेट ऑफ द ओथ बी टेकन बाय द वेरियस कैंडिडेट्स, समझ रहे हैं। तो यहां पर देखिए एक मतलब शपथ के प्रावधान की बात करते हैं, एक जैसे जो भगवान में आस्था रखते हैं उनकी भगवान की शपथ दिलाई जाती है, या फिर
जो प्रतिज्ञा एक होता है शब्द, एफर्मेशन, हाँ एफर्मेशन, प्रतिज्ञा जो शब्द होता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते उनके लिए एफर्मेशन कराया जाता है, प्रतिज्ञा कराई जाती है, शपथ मेनली ईश्वर की ली जाती है, ठीक है ना। तो शपथ और प्रतिज्ञा में थोड़ा सा अंतर है, शपथ यानी कि ओथ, प्रतिज्ञा एफर्मेशन। एफर्मेशन में जो व्यक्ति नास्तिक होता है वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। संसद एवं राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार मतलब कौन कौन शपथ लेंगे, यहां पर लिखा जा रहा है संसद, यहां संसद कर लीजिएगा, एमपीज, हाँ मतलब एमपीज एंड कैंडिडेट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि संसद एवं राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, आप कह सकते हैं सांसद भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सांसद एवं राज्य विधानमंडल के उम्मीदवार, एमपीज एंड कैंडिडेट फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर, यानी कि एमपी एमएलए के शपथ की बात की जाती है, समझ रहे हैं। दूसरा, सांसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्य की बात कर रहे हैं, तो ये तो वही चीज हो गई, मैंने दो बार लिख दिया है। संघ एवं राज्य मंत्री यानी कि यूनियन एंड स्टेट्स मिनिस्टर्स, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट जजेस जो है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यहां पर ध्यान में रखिएगा कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ द इंडिया, ये पूरे चैप्टर हैं, इन पर हम सब बात करेंगे बाद में, तो केवल अभी नाम जान लीजिए, इनके ओथ इनके एफर्मेशन की बात की गई है। यहां पर एक बहुत ध्यान से समझना, राष्ट्रपति साथियों और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के विवरण तीसरी अनुसूची में नहीं है, थर्ड शेड्यूल्ड में नहीं है, डिटेल्ड ऑफ द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर नॉट इन द थर्ड शेड्यूल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के शपथ का विवरण थर्ड लिस्ट में नहीं है, यह चीज ध्यान में रखना। कहां है साथियों, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 60 है, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 है, यहां पर देख सकते हैं आर्टिकल 69 है, राज्यपाल के लिए साथियों 159 है, 159। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन से लोगों का वे मतलब कौन से लोगों के शपथ और एफर्मेशन की बात थर्ड शेड्यूल में नहीं की गई है, तो ये चीज ध्यान में रखना किसकी बात नहीं की गई है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए अलग से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं साथियों फोर्थ शेड्यूल पर, चौथी अनुसूची में राज्यसभा के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। वैसे सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट कहां से है, यूपी से है, जनसंख्या के बेस पर ही तो चुना जाएगा, समझ रहे हैं। ये राज्यसभा के लोग कैसे चुने जाते हैं, जैसे लोकसभा के मेंबर डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है, इनडायरेक्ट मेथड से, इन विधानमंडल जो होते हैं लेजिस्लेचर जो है उनसे चुनते हैं, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर को कौन चुनता है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को कौन चुनता है, जनता चुनती है। विधान मंडलों के सदस्यों को कौन चुनता है, कौन चुन रहा है भाई, जाहिर सी बात है जनता चुन रही है, और विधानमंडल के सदस्य राज्यसभा के मेंबर चुन रहे हैं, तो यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से उनका चुनाव हो रहा है, अप्रत्यक्ष तरीके से उनका चुनाव हो रहा है, ठीक है। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। साथियों पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। यहां पांचवी अनुसूची ध्यान में रखिए, प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल्ड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैज बीन मेड फिफ्थ शेड्यूल, समझ रहे हैं, इसके लिए आर्टिकल 244 रिलेटेड है। तो पांचवी अनुसूची में क्या बात की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब के प्रशासन कैसे किया जाए, उन पर कंट्रोल कैसे किए जाए, ये फिफ्थ शेड्यूल्ड में बताया गया है, पांचवी अनुसूची में बात की गई है, जो कि आर्टिकल 244 से रिलेटेड है। लेकिन ध्यान में रखना, इसमें असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों की बात नहीं की गई है, पांचवी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के जनजातीय यानी कि ट्राइबल इलाकों की बात नहीं की गई है, इसके लिए अलग से शेड्यूल बनाया गया है, सिक्स्थ शेड्यूल, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण, क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं, चाहे असम हुआ है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये एक तरीके से यहां पर हमेशा एक तरीके से देखेंगे एक जो यहाँ की ट्राइब्स हैं, जैसे इस समय
देखा जाए मणिपुर में जो हिसाब किताब बन रहा है, समझ रहे हैं, कुकी जो ट्राइब्स दिक्कत कर रही है, ऐसे असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जो ट्राइब्स हैं उनको एक तरीके से विशेष प्रावधान किया गया है। कारण यह है कि थोड़ा सा इनकी बॉर्डरिंग जो स्टेट्स हैं या बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनका भी इशू है, साथ में यहाँ के ट्राइबल्स पीपल के लोगों का भी इशू है। यहाँ बार बार अलग देश की डिमांड चलती रहती है, समझ रहे हैं, अलग देश की मांग चलती रहे, जैसे त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड की बात हमेशा चलती है, समझ रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में हमेशा एक तरीके से अलग कंट्रीज की डिमांड, अलग देश की मांग, ये खुद चाहते हैं अपना देश अपना राज्य हम खुद चलाएं, ठीक है। ऐसे में इनके लिए एक अलग से शेड्यूल्ड बना दिया गया है। सातवीं अनुसूची में साथियों, ये सातवीं अनुसूची सेवेंथ शेड्यूल की बात करें, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधिक शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है, ठीक है। कैसे सेवेंथ, कैसे मतलब एक तरीके से सेंटर और स्टेट में के बीच में कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ये सातवीं अनुसूची में बात की गई है। जैसे यूनियन लिस्ट की बात करें, यूनियन लिस्ट में देखा जाए इस समय 100 विषय रखे गए हैं। शुरुआत में कितने विषय थे, 97 सब्जेक्ट थे, जिस पर कौन कानून बनाएगा, सेंटर बनाएगी। तो संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, जिस पर केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, टोटल पहले के मतलब इस समय टोटल कितने सब्जेक्ट रखे गए हैं, 100, पहले कितने थे, 97, ये याद रखना क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वही साथियों राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट की जब बात करें तो इसमें 60 विषय रखे गए हैं, पहले कितने थे, 66 थे। समवर्ती सूची की बात करें यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें तो इस पर केंद्र और राज्य दोनों पावर बनाती हैं। अगर देखा जाए शुरुआत में इसमें साथियों 47 सब्जेक्ट थे, लेकिन अब कितने हो गए, 52 है। ये चीज याद रखिएगा, किसमें कितने सब्जेक्ट हैं साथियों। आठवीं अनुसूची की जब बात करें तो संविधान द्वारा मान्य भाषाओं की बात की गई है, कौन कौन सी भाषाएं संविधान मतलब कौन कौन सी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। मूलतः पहले जब शुरुआत में संविधान बना तो 14 भाषाओं को ही मान्यता दी गई, बाद में साथियों 22 भाषाएं हो गई, इसमें और 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब ये क्वेश्चन आता है, 8 भाषाएं कैसे कैसे जोड़ी गई। जैसे साथियों सिंधी की बात करें, समझ रहे हैं, सिंधी की बात करें तो साथियों ये 1967 में जोड़ा गया, कब जोड़ा, किससे जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया सिंधी क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद साथियों कोंकड़ी है, कोंकड़ी है, नेपाली है, तो साथियों कोंकड़ी हुई चाहे नेपाली हुई मणिपुरी हुई, ये तीन भाषाएं आई, कोंकणी नेपाली मणिपुरी, इनको कब जोड़ा गया, 1992 में जोड़ा गया साथियों, 1992, 1992। कौन से संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन यानी कि 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 71वें संविधान संशोधन। फिर साथियों कौन सी भाषा आई, बोडो आई, ठीक है, डोगरी आई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया गया। तब 2003 में इन भाषाओं को मान्यता मिली। कौन से संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 52वें नहीं 92वें संविधान संशोधन यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो देखिए 8 भाषाओं को कैसे जोड़ा गया, सिंधी को कब जोड़ा गया, कोंकणी नेपाली मणिपुरी को कब जोड़ा गया, बोडो डोगरी मैथिली संथाली को कब जोड़ा गया। सीधा क्वेश्चन आता है, बोडो डोगरी मैथिली सिंधी, बताइए कौन सी भाषाओं को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है या 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, तो तुरंत आपको बताना है साथियों सिंधी को, बात समझ रहे हैं, सिंधी को जोड़ा गया। तो ये चीज याद रखना, शुरुआत में 14 लैंग्वेज थी, लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम में बात करें करंटली 22 लैंग्वेज हो गई, 8 भाषाएं बढ़ गई जो आपके सामने मैंने लिख दिया, ठीक है। नौवीं अनुसूची साथियों, ये एक तरीके से आपको मैं बता दूं इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है,
साथियों देखिए, जब देश आजाद हुआ तो उस समय जमींदारों का बहुत विशेष वर्चस्व था, तो सरकारों ने सोचा क्यों ना इन जमींदारों की भूमि को ले लिया जाए और गरीबों में बांटा जाए, या गरीबों को दिया जाए, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास लैंड नहीं है, उनको दिया जाए। ठीक है, तो ये जब सरकार ने सोची तो जाहिर सी बात है उस समय जब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो साथियों जो संपत्ति की अधिकार की बात किया जाता है, यानी कि एक तरीके से इसको बोलते हैं, इंग्लिश में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, क्या इसको बोलते हैं, राइट ऑफ नहीं, खैर अभी याद आएगा तो मैं बता दूंगा। संपत्ति यानी कि एक तरीके से जो भी आपके पास पूंजी है, कैपिटल है, उसके राइट की बात करता है ये। पहले संपत्ति का अधिकार एक फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट था, समझ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, जब फंडामेंटल राइट था और सरकार क्या कर रही है, जमीन को ले रही है जमींदारों से और गरीबों में दे रही है, किसानों को दे रही है, तो सभी लोग अपने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जो संपत्ति के अधिकार की बात है, यानी कि राइट ऑफ कैपिटल, इसको और भी कुछ कहते हैं, मुझे एकदम एग्जैक्ट संपत्ति का इंग्लिश अब ऐसे ही होता है, मुझे एग्जैक्ट अभी तुरंत नहीं याद आ रहा है। तो संपत्ति का जो अधिकार था साथियों, इसको संपत्ति का अधिकार एक उस समय फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, और मौलिक अधिकार के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने लगते हैं। ठीक है कि हमारा भाई जमीन छीना जा रहा है, तो ऐसे में सरकार करे क्या, सरकार ने साथियों एक सूची बना दी, अनुसूची बना दी, शेड्यूल बना दिया, नौवीं अनुसूची, और उसने ये बात कही नौवीं अनुसूची में जिस भी कानून को रख दिया जाएगा उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उस पर न्यायिक पुनर्वालोकन नहीं हो सकता, उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। और ऐसा कहकर जमींदारी जो मतलब जमीन से रिलेटेड जितने मामले थे, जब सरकार जमीन से ले मतलब सरकार जमींदारों से जमीन ले रही थी, जितने मामले थे उसको नाइन्थ शेड्यूल्ड में डाल दिया। अब लोग जा ना पाए, कहां ना जा पाए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटाओगे जब नाइन्थ शेड्यूल्ड बन गया, उस पर जुडिशियल रिव्यू हो ही नहीं सकता, समझ रहे हैं। तो ये इसलिए किया गया ताकि जो लैंड ओनर हैं, जमींदार हैं, उनसे जमीन का जो मालिकाना हक है, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बने बैठे हैं, उनसे जमीन लेकर उन जनता को देना जो कि गरीब है, जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है, खाने के दो टाइम के अनाज भी नहीं है, उनको देना, ये सरकार की मंशा थी, तो वेलफेयर वाली मंशा थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सरकार ने इसका मिसयूज करना चालू किया। सरकार क्या करती थी, जो भी कानून अपने हित में बनाने थे वो अपने हित में बना लेती थी, भले चाहे जनता का उसमें नुकसान ही हो, लेकिन उनके हित की बात होती थी, उनको अच्छा पैसा उसमें मिल जाता था, उसको क्या करती थी, नाइन्थ शेड्यूल्ड में डाल देती थी। यानी कि पहले तो वेलफेयर के लिए यूज किया गया, बाद में इसका क्या किया गया, मिसयूज किया गया, क्योंकि अब जाहिर सी बात है नवीं अनुसूची में अगर कोई चीज भी चीज डाल दी जाएगी तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ले नहीं जाया जा सकता। ऐसे में साथियों आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत जो जो एक तरीके से पॉलिटी पढ़ रहे होंगे, 24 अप्रैल 1973 को एक निर्णय आता है जिसे हम कहते हैं केशवानंद भारती निर्णय। क्या कहता है केशवानंद भारती निर्णय में, अभी अगर हम क्लास लेंगे तो साथियों पूरी एक घंटे की क्लास होगी, तो फिलहाल इसमें क्या मेन चीज निकल कर आई साथियों, केशवानंद भारती निर्णय में सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य आया कि नाइन्थ शेड्यूल्ड में रखे हुए जितने भी कानून हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो आपको बता दें 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने निर्णय आए, जिनको भी नाइन्थ शेड्यूल्ड में रखा गया, उन पर जुडिशियल रिव्यू आसानी से किया जा सकता है। लॉ इनएक्ट आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कैन बी रिव्यूड, ये देखिए 24 अप्रैल 1973 के बाद रखे गए कानून की समीक्षा की जा सकती है, क्योंकि उस समय एक बहुत तगड़ा जजमेंट आया, केशवानंद भारती डिसीजन, समझ रहे।
ये एक तरीके से पूरे संविधान की रूपरेखा बदल कर रख दिया, समझ रहे हैं? तो एक तरीके से 9th शेड्यूल्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया। शुरुआत में वेलफेयर के लिए ये अनुसूची शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन बाद में सरकारें इसका मिसयूज करने लगी। कुछ भी कानून बनाते तो ये 9th शेड्यूल में रख देते थे, जिससे जुडिशियल रिव्यू उसका ना हो सके। ऐसे में केशवानंद भारती डिसीजन के बाद ये सारी रूपरेखाएं बदल गई। उसके बाद साथियों, 10वीं अनुसूची की जब बात करें, तो आप जानते हैं 52वें संविधान संशोधन 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 द्वारा जोड़ी गई दल बदल विरोधी कानून है। साथियों, दल बदल एक एक्ट है, समझ रहे हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ पर भी कम से कम 40-50 मिनट की क्लास होगी। तो फिलहाल अभी इतना समझिए, जैसे उस समय क्या था कि जब भी दल बदल कानून, जब विरोधी कानून नहीं था, तो उस समय क्या था, सरकारें जीतती थी, उसी के दल के कुछ नेता दूसरे पार्टी में चले जाते थे, सरकार को गिरा देते थे, वहां पर जाते थे, वहां गंदगी फैलाते थे, यानी कि वहां से निकलकर किसी दूसरे पार्टी में चले जाते थे। तो एक तरीके से जो सरकारें बनती थी वो अस्थाई होने लगी। ये दल बदल विरोधी कानून जब तक नहीं आता था आया था, तब तक जो सरकारें थी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती थी। 5 साल का टेन्योर ही नहीं पूरा हो पाता था कि सरकार गिर जाती थी। ऐसे में साथियों, दल बदल विरोधी कानून लाया गया, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई इस चीज को। 11वीं अनुसूची साथियों मेन बात करता है पंचायत के बारे में, पंचायत से रिलेटेड जितनी बातें हैं, तो आप देख सकते हैं 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज, पंचायत की शक्तियों के प्राधिकार एवं जिम्मेदारियों की बात की गई है। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 29। साथियों, जो 11th शेड्यूल्ड है ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है, अप्लाई किया गया है। इसमें पंचायत से रिलेटेड जितनी बातें हैं, कैसे उसका गठन किया जाए, कौन इसका मेन मुखिया होगा, कौन इसका मेन लीडर होगा, इन सब की बात की गई है। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 29। जब हम पंचायती राज्य पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें वहां पर हम साथियों डिस्कस करेंगे। 12वीं अनुसूची की बात करें तो साथियों 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाई गई है, जिसमें नगर पालिकाओं यानी कि म्यूनिसिपालिटीज के बारे में, जैसे नगर पंचायत के बारे में वो है, वैसे नगर पालिकाओं, नगरीय क्षेत्रों में कैसे शासन प्रशासन संभाला जाए, टाउन एरिया में कैसे शासन प्रशासन संभाला जाए, तो इसके लिए म्यूनिसिपालिटीज के बारे में बात की गई। इसमें टोटल सब्जेक्ट कितने हैं साथियों, 18 सब्जेक्ट हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। ये बात क्लियर हो गया, टोटल सब्जेक्टों की संख्या कितनी है बेटा, 18 है, 18 है। उम्मीद है साथियों 12 अनुसूचियों के बारे में बहुत विस्तार से आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए विस्तार की बात, यहां मैं ये कह रहा हूं इसमें जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक है उनकी अलग से क्लास होगी, चाहे नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, केंद्र राज्य संबंध हो, स्टेट्स और यूनियन के रिलेशन की बात की गई हो, कोई भी टॉपिक यहाँ जो आप देख रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई हो, ठीक है, दल बदल विरोधी बात, एंटी डिफेक्शन लॉ की बात, केशवानंद भारती निर्णय या जजमेंट की बात हो, इस सब पर पूरी क्लास होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? ये अभी थोड़ा केवल ये बताया गया है कि भाई कितनी अनुसूचियां थी और इसमें क्या बात की गई है, ठीक है? तो क्लास आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।